ये चीफ जस्टिस ने कल एक केस की समाअत की और समाअत के बाद कहता है कि तुहीन कुरान और तुहीन और कादियानियत की दफात निकालने का किसने हुक्म दिया है, और कहा कि हर जो मजहब इस्लाम है हर किसी को मजहबी इदारे खोलने की इजाजत देता है। 1973 के आयन में लिखा हुआ है कि जो कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, ना अजान दे सकते हैं, ना वो अपनी मस्जिद को इबादतगाह कह सकते हैं, और ना वो अपने मजहब की तरवीज कर सकते हैं। तो चीफ जस्टिस से कहता है कि भाई हर हमारा जो मजहब इस्लाम है हर किसी को अपने मजहब की तरवीज करने की इजाजत देता है। तो चीफ जस्टिस कान खोल के सुन ले, अगर इस तरह की हरकतें कर रहा है तो सुन ले, फिर उमर ला भी मौजूद है और लबैक वाले भी मौजूद है। ये जो चीफ जस्टिस इतने बड़े होते ऊपर बैठ के इस तरह की हरकतें कर रहा है तो सुन ले, हमने जो अपनी जाने ना हमने हज़रत अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए रखी हुई है, और हमारे जो रेड जोन है वो 295 बी और सी है, और अगर इसकी तरफ किसी ने मैली आंख करके भी देखा ना हम उसकी आंख फोड़ देंगे। और अल्लाह हजरत ने भी तो फरमाया था ना, वो लाख पर्दों में छुप के बैठे तो ढूंढ लेगा कोई दीवाना, ये बात भूल जाए नबी के दुश्मन के चैन से वो जिया करेंगे, हमारी सांसें रवा है जब तक नबी नबी हम सदा करेंगे। लबैक 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 या रसूलल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।